गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की, सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु हरगोविंद साहिब जी की, श्री गुरु दत्ता जी का परलोक गमन। गुरु पिताजी के यह वचन सुनकर श्री गुरु दत्ता जी ने कहा कि महाराज, आपके हुक्म को मानना ही योग्य है, इसमें ही हमारा भला है। तत्पश्चात श्री गुरु दत्ता जी ने गुरु पिताजी की 3 परिक्रमा करके उनके चरणों पर माथा टेका और चुप होकर बाहर चले गए। धन गुरु नानक। बाबा जी बुड्ढन शाह के साथ के नज़दीक पहाड़ी पर चले गए और अपने हाथ वाली नीम की छड़ी धरती पर गाड़ कर आसन पर बैठ गए। अपनी वृत्ति ध्यान को एकाग्रत करके बाबा जी योग अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को त्याग कर गुरुपुरी सचखंड जा बिराजे। धन गुरु नानक। जब इस बात का गुरु जी को पता चला तो आप जी सिख सेवक के साथ पहाड़ी पर गए और देखा कि श्री गुरु दत्ता जी शरीर त्याग गए हैं। आपने सबको धैर्य दिया और चंदन की चिता तैयार करवाकर वही पर ही संस्कार कर दिया। धन गुरु नानक। नीम की छड़ी जो बाबा जी ने धरती में गाड़ी थी, उस गाड़ी दी थी उस प्रत्यय गुरु जी ने वचन किया कि यह बहुत बड़ा भारी नीम का वृक्ष होगा और जो कोई श्री गुरु दत्ता जी के स्थान के दर्शन करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। धन गुरु नानक। चैत्र सुदी 10 संवत 1675 को श्री गुरु दत्ता जी ने शरीर को त्याग दिया। धन गुरु नानक। श्री हर राय जी को दस्तारबंदी। बाबा गुरु दत्ता जी की 13वें वाले दिन दस्तारबंदी के समय जब आप जी के बड़े सुपुत्र धीरमल जी करतारपुर से न आए तो गुरु जी ने अपने संबंधियों और भाई भाना आदि गुरु सिखों से सलाह करके बाबा जी के छोटे सुपुत्र श्री हरराय जी को हर प्रकार योग्य मानकर दस्तार बांधी करके गुरु दत्ता जी का अधिकारी नियत कर दिए। धन गुरु नानक। दिवाली का मेला। किरतपुर गुरु जी के निवास के कारण बहुत सिख सेवक आप जी के दर्शन करने आते। गुरु जी के 2 समय दीवान सजते, कथा कीर्तन उपदेश मानसिक भोजन और गुरु का अटूट लंगर बढ़ता। गुरु जी हर राय को हर समय अपने पास ही रखते और उनके सिर पर पड़ने वाले दरिद्रता की तैयारी करवाते रहते थे। धन गुरु नानक। दिवाली का मेला आ गया जिसे संगत ने बड़ी धूमधाम से मनाया और यथायोग भेंट अर्पण करके गुरु जी की खुशियाँ प्राप्त की। धन गुरु नानक। जब दिवाली का मेला करके संगत चली गई तो बाद में कुछ प्रमुख सिख भाई जोधराय और बिजीचंद आदि ही रह गए। गुरु जी ने सारा काम काज भाई बिधिचंद जी को सौंप दिया जिस भाई बिधिचंद ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से पूरा किया। धन गुरु नानक। श्री हरराय जी का प्रण। एक दिन श्री हरगोबिंद जी बाग की सैर करने अपने साथ श्री हरराय जी को ले गए। श्री हरराय जी गुरु जी के पीछे पीछे जा रहे थे। श्री हरराय जी ने श्री हरराय जी के चामे के साथ अटक कर कली का फूल जमीन पर गिर गया। गुरु जी ने टूटा हुआ फूल देख कर कहा, अगर जामा लंबा पहनना हो तो संभाल कर चलना चाहिए, बेपरवाही करनी अच्छी नहीं होती। धन गुरु नानक। गुरु जी से यह बात सुनकर श्री हरराय जी ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और आगे से जामा ऊंचा उठाकर रखने का प्रण कर लिया। यह प्रण आप जी ने अपनी आयु पर्यंत निभाया। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।